बच्ची जाग उठी। विनोद और ममता की शादी को 6 साल हो गए थे, पर उनका कोई भी बच्चा नहीं होता। विनोद एक बिल्डर था और काम के सिलसिले में उसे एक दिन शहर से दूर एक नए घर में शिफ्ट होना पड़ता है, जहां आसपास बस जंगल ही जंगल होता है। ममता अपने घर लक्ष्मी नाम की एक औरत को काम पर रख लेती है। एक दिन जब लक्ष्मी और ममता रसोई में खड़े बात कर रहे होते हैं, मैडम जी वो मैं ना कल काम पर नहीं आऊंगी, मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास? सब ठीक तो है ना? वो मैडम जी मैं क्या बताऊं, मेरे पहले ही 4 बच्चे हैं और अब मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। हम गरीब लोग कैसे इसको पालेंगे, इसलिए अब हम और कोई बच्चा नहीं चाहते। अरे कैसी बात कर रही हो लक्ष्मी, अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो ये बच्चा तुम मुझे दे देना। ये सब तो मजाक की बात है मैडम जी। अरे मजाक नहीं कर रही हूँ मैं लक्ष्मी, मैं सच कह रही हूँ। आप मेरे बच्चे की परवरिश करोगे, इससे अच्छी क्या बात होगी मैडम जी। देखते देखते वक्त गुजर जाता है और एक रात लक्ष्मी एक बेटी को जन्म देती है। लक्ष्मी सुबह होते ही अपनी प्यारी सी बेटी ममता को देने आ जाती है। लीजिए मैडम जी, अब आज से ना ये आपकी बेटी है। मैं अब घर से काम पर नहीं आऊंगी, क्योंकि कुछ महीनों के लिए अपनी माँ के पास गाँव जा रही हूँ। ममता ये खुशखबरी विनोद को देने के लिए उसके पास बच्ची को लेकर जाती है। ये देखो विनोद, हमारी बेटी लक्ष्मी को बेटी हुई है और वो आज अपनी बेटी हमें देकर अपने गांव चली गई। बेटी? लक्ष्मी को बेटी हुई है? पर मुझे तो बेटा चाहिए था, इसको तो मैं जान से मार दूंगा, चलो इसे मुझे दो। नहीं विनोद, ऐसी बातें मत करो। विनोद को उस बच्ची पर जरा भी तरस नहीं आता और वो गला दबाकर उसे मार डालता है। उसके बाद वो उसे घर के पीछे एक गड्ढा खोदकर उसमें दफना देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, पर फिर एक रात घर के पीछे एक कुत्ता बुरी तरह से भौंकने लगता है। अब क्या इस कुत्ते की माँ मर गई है जो ऐसे रो रो कर शोर मचा रहा है? उसे तो मैं चुप नहीं करा सकती, पर तुम क्यों कुत्ते से भी ज्यादा शोर मचा रहे हो? चुपचाप सो जाओ ना और मुझे भी सोने दो। कुत्ता उसी जगह भौंक रहा होता है जहां विनोद ने उस बच्ची को दफनाया होता है। अचानक से वहां जमीन फटने लगती है और उसपे पड़ी बच्ची को देखकर कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। मरी हुई बच्ची की आंख खुल जाती है। मैं जाग गई मम्मी, मैं जाग गई पापा, मैं आ रही हूँ आपके पास अपनी मौत का बदला लेने। अगली रात ममता पानी पीने के लिए रसोई में जाती है और उसे वहां एक दूध की बोतल दिखाई देती है। बोतल के पास एक डरावनी बच्ची खड़ी हुई दिखाई देती है जो और किसी को नहीं देखती। दूध की बोतल? पर हमारे घर में तो कोई बच्चा नहीं है। तभी ममता को एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। वो डरावनी बच्ची कोने में रो रही थी, पर वो ममता को दिख नहीं रही। अब ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है, यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। ममता पहले इधर उधर देखती है, फिर वो खिड़की के बाहर झांकती है, पर वहां भी कोई नहीं होता। फिर अचानक से ममता के पीछे से किसी हंसते हुए बच्चे के भागने की आवाज आती है। ममता पीछे मुड़कर देखती है, पर उसे कुछ नहीं दिखता, बस बच्चे की हंसने की आवाज आती है। कौन है आखिर यहाँ, मेरे सामने आओ। माँ, माँ मैं हूँ। मैं और माँ, कौन है यहाँ, सामने आओ। ममता बहुत डर जाती है और भागते हुए अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़कर सो जाती है। सुबह उठकर उसे लगता है कि बस वो एक डरावना सपना था और कुछ नहीं। पर फिर शाम को जब ममता अपनी अलमारी में कपड़े ठीक कर रही होती है, तभी उसे वहां छोटे बच्चों के कपड़े और खिलौने मिलते हैं। ममता उसमें से एक गुड़िया को हाथ में उठाती है। अब ये क्या है, ये सब यहाँ कैसे आ गया? मम्मी, मम्मी मैं आ गई। ममता डरकर उस गुड़िया को दूर फेंक देती है। गुड़िया तभी एक डरावनी बच्ची का रूप ले लेती है। तुम बहुत बुरी माँ हो, तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती।
मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। डरावनी बच्ची हवा में उड़कर आती है और ममता के गले से चिपक जाती है। तुम ही मेरी माँ हो, समझी? मार डालूंगी तुमको अगर दोबारा ऐसा बोला तो। छोड़ दो मुझे, मैं मर जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। जा रही हूँ माँ, पर मैं घर में वापस जरूर आऊंगी। वो डरावनी बच्ची हवा से उड़ती हुई खिड़की के बाहर निकल जाती है और गायब हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या था, ये क्या हो रहा है? ममता सारी बात विनोद को बताती है, पर विनोद उस पर यकीन नहीं करता। ममता के दिमाग में हर वक्त वही सब चलता रहता है। फिर अगले दिन जब विनोद बगीचे में घूम रहा होता है तो उसे वो जगह खुदी हुई मिलती है जहां उसने उस बच्ची को दफनाया था। अरे, ये जगह किसने खोद दी? कहीं किसी को मेरा सच तो पता नहीं चल गया? विनोद अंदर गड्ढे में देखता है तो वहां से वो बच्ची गायब है। ममता, ममता, जल्दी आओ। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? ये देखो, यहाँ किसी ने खोदा और वो बच्ची की लाश भी यहाँ से गायब है। हे भगवान, कुछ दिनों से इस घर में सब अजीब अजीब चीजें हो रही है। बस कुछ दिन का काम और बचा है, फिर तो हम सब इस मनहूस जगह से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। तभी वो डरावनी बच्ची उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। किसी को नहीं जाने दूंगी मैं यहाँ से। मैंने बोला था ना यहाँ कोई है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। हाँ ममता, पर अब हम क्या करें? अब कुछ नहीं कर पाओगे, अब तो तुम दोनों को मैं अपने साथ ले जाऊंगी और फिर मैं हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ रहूंगी। आखिर तुम कौन हो, क्यों तुम हमें अपने माँ बाप बताती हो? क्योंकि मैं वही बच्ची हूँ जिसे तुमने मार कर यहाँ दफना दिया था। अब मैं भी तुम दोनों को मार कर इसी जगह दफनाऊंगी। हाँ, हमें माफ कर दो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। आपने मुझे क्यों मार दिया पापा? आपने भी मुझे नहीं बचाया मम्मी, ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी, यही कि मैं लड़की थी? नहीं बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, सच में। मैं बस तुम्हें बचा नहीं पाई, मुझे माफ कर दो। वो डरावनी बच्ची विनोद और ममता दोनों का गला पकड़कर हवा में उड़ा देती है। दोनों का दम घुटने लगता है, पर तभी अचानक वो बच्ची दोनों को छोड़ देती है और आग में जलकर राख हो जाती है। फिर ममता और विनोद की नजर वहां खड़ी लक्ष्मी पर पड़ती है, जो किसी छोटे से बच्चे के कपड़े जला रही होती है। लक्ष्मी, तुम कब आई और ये सब क्या कर रही हो? मैं 4 दिन पहले ही गाँव से वापस आ गई और आते ही सबसे पहले अपनी बेटी को देखने आई, पर इस घर की नौकरानी ने बताया कि इस घर में तो कोई बच्ची है ही नहीं और ना कभी उसने किसी बच्चे के बारे में सुना। आप लोग भी उस वक्त घर पर नहीं थे कि मैं आपसे पूछती। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा और जब मैं वापस जाने लगी तो मैंने पीछे बगीचे में अपनी बच्ची के गले में पड़े लॉकेट को आधा जमीन में दबा हुआ देखा। मैं तब से तुम लोगों पर नजर रखे हुए हूँ और मुझे सब पता चल गया कि मेरी बेटी मर चुकी है और अब उसकी आत्मा तुम लोगों को कैसे परेशान कर रही है। मैं उसके बाद अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए पंडित जी के पास गई और उन्होंने मुझे बताया कि जो कपड़े मेरी बेटी ने सबसे पहले पहने थे, अगर मैं उन्हें जला दूंगी तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। मेरी बेटी को मैंने मुक्ति दिला दी है और मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया है। अब आपको आपके किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। ममता और विनोद बहुत रोते गिड़गिड़ाते हैं, पर कुछ ही देर में पुलिस आकर दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है। उसके बाद लक्ष्मी वहीं बैठकर खूब रोती है।